आने वाले कुछ महीनों में ये सरकार बिल रिपील नहीं करती तो भारत मुक्त हो जाएगा बीजेपी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे हैं, जहां पे किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा ताकि 3 जो केंद्रीय कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो है एक कानून जो जिसकी बात वो कर रहे हैं जो किसानों को MSP की गारंटी दे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है ये आह्वान किया था कि जो 26 मई का जो दिन है वो, क्योंकि 6 महीने पूरे हो रहे हैं इसलिए आज किसान यहाँ पे काला दिवस मनाए, इसलिए यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं। इस 26 तारीख को हमारे आंदोलन को दिल्ली मोर्चे में आए हुए 6 महीना हो गया। मोदी सरकार ने हमारे साथ 11 गेट बातचीत के चलाए। 22 जनवरी के बाद गलबात में डेडलॉक हो गया, उसके बाद में उसने कोई गलबात करने का कभी प्रयास नहीं किया। इस आंदोलन में इतने लोगों ने जो हिस्सा लिया, लोगों की हमदर्दी बनी, आंदोलन लहर बना और दुनिया के दूसरे देशों के मुखियों ने, उनकी जनता ने इस आंदोलन की हिमायत की। इस आंदोलन की कामयाबी हमायत का सबसे बड़ा एक तो गुर यह है कि हमारा आंदोलन पुरअमन है। दूसरा, इनकी मांगे हैं जो वो जायज हैं, किसानों की मांगे तो हैं, वो आम देश के खपतकार खाने वाली जो रोटी खाता है उसकी मांग है। इसलिए सभी लोग सपोर्ट करते हैं कि वे किसान पुरअमन रहकर शांति से अपनी जहां मांग मांगते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, देश के संघी ढांचे को बचाने की बात करते हैं, देश की विच फिरका प्रस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बिल जो लाई है सरकार पिछले 9 महीनों से 5 जून को, उसको खत्म करने के लिए ये हमारा आंदोलन है। ये बिल खत्म नहीं होते, ये बिल रिपील नहीं होते तो ये किसान है जो 80% देश का हिस्सा है, लोगों को अन्न उगा के देते हैं, मनुष्य है जो अन्न से चलता है, तो उसको खत्म करने के लिए ये बिल लाए, तो उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन चलेगा। पूरे 6 महीने हो गए आज हमें दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए अवरोध करते हुए, और मोदी सरकार इतना बड़ा आंदोलन, आपने भी बोला कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है क्योंकि इसमें महिलाओं ने, मजदूरों ने, बच्चों ने, सबने पार्टिसिपेट किया और ये एक जन क्रांति है। हम जिस दिन पंजाब से चले थे उस दिन हमने ये कहा था कि हम 6 महीने के लिए अपना सारा सामान खाने पीने का लेके जा रहे हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सो आज जो हमारा प्रण था पंजाब से आने का, 6 महीने का जो हम कह के आए थे, वो 6 महीने आज पूरे हो गए और आज से हम नया अगला स्टेप चलाएंगे। वो स्टेप हमारा असल में तो 24 तक चलेगा, 2024 तक, जब तक ये बीजेपी सरकार है जो खत्म नहीं हो जाती, सत्ता से उतर नहीं जाती, उतनी देर हम बैठेंगे नहीं। जमहूरी हुकूमत, लोकतंत्र राज्य हुकूमत के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार ने जो मोर्चे पर बैठे हुए किसान हैं इनको इग्नोर कर दिया है। इनकी बात सुनने के लिए मुड़ के कोई इसका हल नहीं निकाला, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई जतन नहीं किया। इसको उठा देने के लिए जितने जतन किए हैं बहुत सारे हमने फेल किए हैं। लोगों को ये बताने के लिए हमने, एक तो कारण ये है, ये बताने के लिए हमने इस दिन को चुना। दूसरा, 26 मई 2014 को इनको पूरे 7 साल सत्ता संभाले हुए हुए, सत्ता संभालने के बाद देश की जो दुर्दशा की है वो आपके सारे के सबके सामने है। रोजगार की, पब्लिक सेक्टर की, हवाई अड्डों की, कोले की खाना वगैरह, जितना पब्लिक सेक्टर कारपोरेट कराने के मुनाफे के लिए जितना काम किया है उसमें बैंकों का क्या हाल कर दिया, हवाई अड्डों के का, एयरपोर्टों, पब्लिक सेक्टर को सारे को बेचने का जो प्रयास है लगे ने किया है वो सारे लोगों के सामने है, जिन्हें देश का भी कुछ नहीं किया। जो सरकार फिरका प्रस्ती पर 2014 से लेकर आज तक राज करती है, लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, आज भी जो वो बात कर रहे हैं कि जे मोर्चे वाले हिंदू धर्मों को, धर्म के जो है उस त्योहार आते हैं उनको नहीं मनाते, जबकि हम सभी धर्म का सत्कार करते हैं। हमारी जो लड़ाई है किसी धर्म की नहीं। जो सरकार आज उसे रिपील कर लेती है तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे, जो नहीं करती तो ये हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक
ये बीजेपी इन बिल को लाने वाली, हमने पंजाब से इनको खत्म किया, हरियाणा से खत्म किया, पश्चिम बंगाल से खत्म किया और आगे हमने इनको खत्म करने की बीजेपी मुक्त करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी मुक्त करेंगे, यूपी बीजेपी मुक्त करेंगे और पूरा देश है जो उसे बीजेपी मुक्त करने के लिए आज से हमारी मुहिम जो आगे बढ़ेगी। सरकार क्यों नहीं सुन रही, इसके पीछे कई कारण है। सरकार को कॉरपोरेट घरानों का बहुत ज्यादा दबाव है, इसकी उस वजह से नहीं सुन रही। और सरकार कोरोना का वो दे रही है कि कोरोना की वजह से मतलब लोगों को अपना छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, हम इतना बड़ा हमारा आंदोलन है, ये असफल नहीं हो सकता, ये सफल होगा। और आपको हमारी बातें जो दो हमारी मेन मांगे हैं वो ही माननी पड़ेगी। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी हम दिल्ली के बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जो मोदी का शासन, जो 7 साल का सबसे गंदा शासन, आज तक जब से देश आजाद हुआ है तब से इतना बड़ा राज प्रबंध किसी ने नहीं दिया जितना मोदी ने दिया है। इतना जनता को, आम लोगों को किसी ने नहीं तंग किया जितना मोदी ने किया है। बेशक वो GST के कारण हो, बेशक वो नोटबंदी के कारण हो, बेशक बिना प्रबंध कोरोना के कारण हो, चाहे जो J&K में इसने 370 धारा तोड़ी, बेशक वो हो, लोगों को इसने 7 साल में तंग ही किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। अपने भारत की जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जितना आशा वो भी बेच दिया इसने। 7 साल इसने, इसके आज माड़े प्रबंध के पूरे हुए हैं, उसी के संदर्भ में आज हम इसका पुतला फूंक रहे हैं और हमारे 6 महीने पूरे हो गए और अगला स्टेप आज से हमारा शुरू हो गया। तीसरी, इसी कार्यकाल दौरान के मोर्चे के दौरान, यानी महामारी का जोर, वैसे तो पहले भी महामारी कोरोना का संकट चल रहा था जब हम मोर्चा लगाया, लेकिन अभी फिर ये मोर्चा जो है, ये मोर्चे के दौरान कोरोना जोर पड़ गया। फरवरी में इनके सेहत मंत्री का बयान लगता कि हमने कोरोना को मात दे दिया, लेकिन मार्च में ये कोरोना जोर पड़ जाता है। तो जब कोरोना आता है, लोगों की मौत शुरू होती है, लोगों की बड़ी गिनती मरीज पेशेंट आते हैं, तो खबर आती है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टरों का प्रबंध नहीं है। यानी कोरोना के संकट के साथ निपटने के लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना बजट में पैसा रखा, ना ऑक्सीजन का प्रबंध किया। जो किसान खेती बाड़ी करता है वो किसान हिंदू भी है, वो सिख भी है, वो मुसलमान भी है, वो ईसाई भी है, सभी धर्म के, सभी जात के, सभी बोली वाले राज्यों के किसान हैं। जो उनकी सांझी मांग है, जो खेती करता है, कि तीनों कानूनों को रद्द करके MSP पर कानून बनाया जाए और सरकार MSP कर कानून बना के सरकारी खरीद की गारंटी करे। और उससे आगे जो हमारी मुहिम होगी, जो कारपोरेट घराने जिसको इनने हमें 12 खेती दिया है, जमीन दे रहे हैं, स्टोरेज करने के लिए दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई के, उनको भी भारत से निकालना है, भारत को मुक्त करना है, किसानों को याद करना है। हम ये संकेत देना चाहते हैं कि मोदी साहब जो आपका किया हुआ फैसला, उसके खिलाफ कितने लोग हैं, उसमें कितना रोष है, ये आपकी कल की अखबारें आपको बता देंगी, आप मीडिया वाले हैं, आपको बहुत पता होगा। यानी इस चीज का, रोष का एक बड़ा बम बन के मोदी सरकार के ऊपर वजन बनेगा कि हिंदुस्तान में वो लोग जो पहले लोगों की अगुवाई करते थे, अब ये उनको कीर्ति लोग उनकी अगुवाई कर रहे हैं, वो उनके पीछे हैं। आप नवजोत संधु अपने घर में झंडा लगा रहा है, परमिंदर अपने घर में झंडा लगा रहा है। यानी पॉलिटिकल पार्टियां जो आगे होती थी इस आंदोलन के, वो आंदोलनकारियों के पीछे लगकर चल रही है। जो 5 मोर्चे हैं, जहां बॉर्डरों पर धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी उदाहरण है, जो सरकार लिए सबसे बड़ा खतरा है, लोग धर्म जात मजहब से उतार उठकर आर्थिक मांगों के लिए इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, जो सरकार के लिए चैलेंज है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरकार की उम्र घट रही है, हमारे मोर्चे की उम्र बढ़ रही है। इस मोर्चे ने आने वाले समय देश का राजनीतिक भविष्य तय करना है और देश की राजनीतिक नक्शे को बदलना है। ये एक देश है जो इसमें जड़ी अर्थव्यवस्था चलती है, वो अनाज से चलती है, किसानों से चलती है, खेती प्रधान देश है। जैसे ही ये कानून रद्द हो जाएंगे तो हम 5 मिनट नहीं लगाएंगे दिल्ली के बॉर्डर छोड़ने। हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तब आप देखो कितनी गर्मी है, इतनी कड़कती हुई ठंड भी हमने इस बॉडी पे, हड्डों पे हंडाई अपने पे। तो ये सरकार को सुनना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, हमारे ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। क्योंकि इतनी गर्मी में अगर सरकार कोरोना कहती है तो हमारे यानी वो इनको भी, इनकी मांगे मांग के इनको घर तोड़ सकती है, घर भेज सकती है, तो नहीं कर रही ना। लड़ाई तो हमारी बहुत बड़ी है,
देखो तीन कानून खत्म होने से एमएसपी का कानून बनने से हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा तो रोजगार का सवाल है, हमारी इकोनॉमी का सवाल है, हमारे बच्चे का रोजगार का सवाल है, हमारे लिए पब्लिक सेक्टर का सवाल है, हमारे लिए देश को बचाने का सवाल है, देश की इकोनॉमी का सवाल है, बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं। लेकिन इस आंदोलन का मुख्य मांगे हैं जो वो वही है। पंजाब में जब लोग बड़ी गिनती में किसान आए, वो सिख धर्म से ज्यादा संबंध रखते हैं, सिख किसान थे, पर बात ये नहीं कि वो सिखों की मांग है, वहाँ हरियाणा के किसान है उनकी भी मांगे हैं, वहाँ जो यूपी के किसान है मुसलमान उनकी भी मांग है। जब किसानों ने शुरू वैसे जब पंजाब से किया तो वो सभी किसानों की मांगे हैं, सभी धर्म और फिरके के लोगों की बात करते हैं, हम एक फिरके की नहीं। सरकार ने कोशिश की हमें खालिस्तानी बोलने की, हमें आतंकवादी बोलने की, हमें बोला कि बाहर से फंडिंग आ रही है, वो सरकार ऐसे ही चढ़ती थी कि जब मोर्चे की चढ़त हो रही थी सभी धर्मों के जातों के मजबूत को लोगों को हम साथ लेकर चल रहे थे, शांति से चल रहे थे, पुरामन चल रहे थे, सरकार को एक खतरा था वो इसको तोड़ने के लिए हर हरबा बत रही थी, और कुछ लोग और भी थे जो इसको एक फिरके का आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसानों की मांगों को लेकर अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश करते थे, पर किसानों ने मिलकर सभी को फेल कर दिया। आज हमारा मोर्चा किसानों का निरोल मोर्चा है और किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें दखल नहीं, निरोल किसान अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। देखिए इसमें इतने बड़ा आंदोलन बढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सबकी सब जथेबंदियां जितनी ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की उन सबको इकट्ठा करने में कामयाब हुए। मिनिमम प्रोग्राम वैसे तो हमारे बहुत बखरे में है, एक दूसरे के साथ बोलते भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं। इतने बखरे में होने के बाद हम लोग सारे के सारे एक के इशू के ऊपर इकट्ठे इशू के जब हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन एक इशू पर इकट्ठे हो सकते हैं तो इस इशू इससे प्रभावित होकर देश की जनता भी इस इशू के साथ जुड़ गई है। महामारी को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने भी ज्यादा भीड़ ना जुटानी पड़े, संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने नारा दिया कि 26 मई को सारे देश में हम काला दिवस मनाएंगे और अपने घरों पर वहीकलों पर काले झंडे लगाएंगे और मोदी का पुतला फूकेंगे। आज इसकी तैयारी इतनी मुकम्मल थी कि पंजाब हरियाणा में नहीं सारे देश में देश की 1000 ट्रेड यूनियनों ने भी इसको ऐलान की हिमायत की, देश के बहुत सारे और जथेबंदियों ने आज के 26 मई के काले दिवस की हिमायत की। इसलिए आज पंजाब से हरियाणा और राजस्थान यूपी में देश के बख बख भागों से लाखों घरों पर काले झंडे जलाए जा रहे हैं, हमारे दफ्तरों पर वहीकलों पर झंडे जलाकर मोदी के पुतले फूके गए हैं। तो इसलिए हमने पहला सवाल तो ये पूछा कि इसको आप रद्द क्यों नहीं कर रहे, अपील क्यों नहीं कर रहे। दूसरा है कि किसानों की सरकार है जो किसानों ने चुनी है तो इसको अपील किया जाए। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो ये कानून रद्द करने चाहिए और किसानों का बीमा करना चाहिए, फसलों का बीमा करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। और उससे आगे जो है कि ये कॉरपोरेट है जो इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जितना इन्होंने लोन लिया वो भी गपल कर गए और ले लेकर बाहर भाग रहे हैं, और सभी चीजों जो सरकारी थी वो मोदी सरकार ने उनको दे दी तो उनको वापस किया लिया जाए। और सरकार हम ये सवाल ही पूछते हैं, सरकार ने सरकारी प्रबंध करना होता है, लोगों को सभी सिस्टम देना होता है, सरकारी अदारे देने होते हैं, तो उससे जो सरकार सभी सिस्टम पर फेल हो रही है, कोई भी सड़क सरकारी नहीं बची, रेल का भी इन्होंने निजीकरण कर दिया और बैंकों का भी निजीकरण कर रहे हैं, और स्कूल अस्पताल कोई भी सहूलत जो है सरकार सरकारी लोगों को नहीं दे रही, तो इसलिए इस सरकार कॉरपोरेट की है। तो हम कॉरपोरेट को बाहर निकालने के लिए देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की मजदूरों की लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां किसान खुदकशी कर रहा है उस पर कर्जा पड़ा है, मजदूर भूखा पर मर रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, देश में अमीरी और गरीबी का पारा बढ़ रहा है, ये इसलिए है कि सरकार की नीतियां मेहनत करने वाले लोगों के खिलाफ है, कारपोरेट घरानों के पक्ष में है। इसीलिए हमारे मोर्चे की नीतियों के पक्ष में देश में एक लहर है, सभी लोग साथ हमारे इस मोर्चे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की रोटी का सवाल है, सरकार हमारी रोटी नू
उनकी तिजोरी में बंद करना चाहती है कारपोरेट कराने की। लगता है कि सरकार इतनी ढीठ हो गई है, सरकार मान रही, क्योंकि इतना हमारा नुकसान हो रहा है। हम दिल्ली के सर पर लगातार 6 महीने से बैठे हैं, इतना बड़ा आंदोलन है, इतना सारा दबाव है, सभी पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार के किसान इधर है, तब सरकार नहीं मानी, तो इसे ऐसा लग रहा है कि हमें अब पॉलिटिकल रूप से सरकार को दबाना होगा। पॉलिटिकल रूप से जैसे हमने बंगाल में हमारे किसान आंदोलन के आगू गए, और उसके बाद से यूपी का इलेक्शन आने वाला है, और ऐसा ही कुछ हम सोच रहे हैं कि 2024 में सेंटर की सरकार बनने वाली है, तो ऐसा हम पॉलिटिकल दबाव बनाएंगे, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के देख लिए दिल्ली के बॉर्डरों पे, 6 महीने से बैठ के देख लिया, सरकार नहीं मान रही, इसलिए हम अब पॉलिटिकल दबाव बनाएंगे।